हाटीपुत्र तोमर बोले, गिरिपार वासियों के एसटी सर्टिफिकेट अब ज्यादा दिन नहीं रोक पाएगी सुखू सरकार। गिरिपार से ही संबंध रखने वाले इंडस्ट्रीज मिनिस्टर पर लगाए 4 माह से हाटी संबंधी बिल को लटकाने के आरोप। हाईकोर्ट द्वारा जारी किए गए प्रोविजनल एसटी सर्टिफिकेट संबंधी ऑर्डर से सुखू सरकार को नसीहत लेने को कहा। गिरिपार को एसटी स्टेटस की मांग सिरे चढ़ाने व शिलाई में एसडीएम ऑफिस, बीडीओ ऑफिस, डीएसपी एक्शन ऑफिस तथा सिविल कोर्ट जैसे बड़े संस्थान खुलवाने के बावजूद उद्योग मंत्री हर्षवर्धन से हार गए थे तोमर। इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने अपने गृह क्षेत्र में हुई एक जनसभा में हाटी समिति को दी थी अगले इलेक्शन में भी उनके खिलाफ एडी चोटी का जोर लगाने की चुनौती। इंडस्ट्रीज मिनिस्टर के हाटी पुत्र समाधि में होने संबंधी स्टेटमेंट पर भी गिरिपार में उठा था विवाद। एससी कम्युनिटी के बाद अब उज्जर समुदाय भी गिरिपार की स्वर्ण आबादी को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर कर चुका है पिटीशन। गुज्जर समुदाय के अनुसार गिरिपार के अपर कास्ट के लोग ना तो आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हैं और ना ही उनकी तरह जंगलों में घुमंतु जीवन बिताते हैं। 55 साल पुरानी गिरिपार को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस की मांग सिरे चढ़ने पर लास्ट असेंबली इलेक्शन में हाटी समिति ने किया था बीजेपी को समर्थन। क्षेत्र के नौजवान जिनके टेस्ट हो रहे हैं, जिनकी भर्तियां हो रही, जिन्होंने फॉर्म भरने, हमारी एक बेटी हाईकोर्ट के अंदर उसने पिटीशन की और उसके पक्ष में निर्णय आया, लेकिन उसके बावजूद हमारी जो प्रदेश की सरकार है, कांग्रेस पार्टी है, उन लोगों ने कोर्ट के अंदर हमारे एक समाज को भेज दिया कि आप इसके खिलाफ केस करिए, इनके खिलाफ इनको हाटी का दर्जा क्यों मिल रहा है और उनके कोर्ट में क्या पिटीशन है कि इनको क्यों मिल रहा है, इनको जनजाति का दर्जा क्यों मिल रहा है, उन्होंने वो पिटीशन लगाई। अब उसके बाद अभी पिछले कल ही हमारे 3 और साथी हाईकोर्ट के अंदर गए और हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि इनको तुरंत जिला सिरमौर को आदेश दिए गए, इनको तुरंत एसटी के सर्टिफिकेट इश्यू किए थे और पिछले कल प्रशासन को एसटी के सर्टिफिकेट उन 3 बच्चों को देने पड़े, जिसमें से कि एक बेटी हमारे मंत्री जी के रिश्तेदारों की बेटी है। आखिरकार मंत्री जी चाहते क्या है, मैं उनसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि गिरिपार की जनता का कसूर क्या है, हमारे उन नौजवानों का कसूर क्या है जिन नौजवानों ने, जिन परिवारों ने आपको और आपके परिवार को लगातार 60 साल से अधिक का समय आप लोगों को सत्ता में हो गया है। प्रश्न पूछता हूं हाटी समिति के लोगों से, क्या आप हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से कभी मिले हो? नहीं मिले हैं। क्यों नहीं मिले? क्योंकि हाटी के जो लोग हैं, हाटी के पदाधिकारी हैं, उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी का चोला पहना हुआ है, इसलिए वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने की ना उनकी हिम्मत है ना वो जरूरत समझते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी और हाटी समिति से डरने वाला नहीं है, इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया मेरे से पिछली बार, और आप सबकी बदौलत और शिलाई के जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, चाहे छोटा कार्यकर्ता है चाहे बड़ा कार्यकर्ता है, आपकी बदौलत जो है मैं आज यहाँ पर खड़ा होकर के हिमाचल सरकार में मंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ। मुझे हाटी समिति से और भारतीय जनता पार्टी से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। मैं डंके के चोट पे बोलता हूँ, तुमने पहले भी जोर लगाया और तुम्हारे में और दम होगा और दम खमराया जाएगा ना तुम्हारे पास 2027 को, तो 2027 में भी दम खम लगा लेना। और मैं कहा हमारे अभी जो है ना लोकसभा चुनाव में हाटी फिर नाचना, अभी हाटी पुत्र जो है तो समाधि में बैठा हुआ है और इलेक्शन में समाधि से निकलेंगे और अभी जैसे मैंने बोला ना प्रोफेसर सिलेक्ट हुए हैं, एसटी में पता कितने रिजर्वेशन होती है, अगर 100 सीटें होगी ना, 100 सीटें निकलेगी तो एसटी की पता कितनी निकलती है सीट, 4। और अभी हमको जो लाभ मिल रहा है ना, जैसे हमारे ओबीसी है, ओबीसी को 27% का लाभ मिल रहा है, तो हमारे को बोला शर्मा जी और कह यार चुनाव जीतना तूने कि नहीं जीतना, तो ये भूख बंद कर, जो लोग सुनना चाहते हैं वो बोलो। किसने बोला? बीजेपी के कहने से क्या होना, आप दिखाइए हमें, नोटिफिकेशन दिखाइए कहाँ किस क्या स्वीकार हुआ है, हमें नोटिफाई करके दिखाइए, लोगों के सर्टिफिकेट दिखा के, एक एक आदमी के सर्टिफिकेट बना के दिखा दो, मान जाएंगे कि हमने अब सरकार को मोहलत दी है, अब हम सड़कों पे उतरेंगे, मुलाकात का दौर अब खत्म हो चुका है, दिवाली तक की हमने मोहलत दी है, अगर दिवाली तक हमारा एक्ट, क्योंकि ये संविधान की उल्लंघना है, कानून की उल्लंघना है और ये संसद का अपमान है।
हमने कलेक्टिव डिसीजन ये लिया था कि हमारे बोर्ड का हकदार वो होगा केंद्रीय समिति ने जो हमारा काम करेगा। तो माननीय जयराम ठाकुर ने हमारा काम किया है तो हमारे बोर्ड का हकदार वो है, और हमने इनको इस बात के लिए आश्वस्त भी किया था कि ना केवल सिरमौर की 5 सीटों पर लेकिन 4 सीटों पर भी हम इनका साथ माननीय जयराम का साथ देंगे, जिसमें सोलन भी और शिमला की 3 सीट। जब सरकार ने इस मुद्दे को सॉल्व कर दिया, जब ये हो नहीं रहा था तो सब यही कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, इस मुद्दे को सॉल्व करवाइए, हम उस सरकार के साथ हैं। मुद्दों पर आधारित केंद्रीय आरटी समिति ने, जब ये काम हो चुका है, केंद्रीय आरटी समिति ने मुद्दे पर आधारित हमने समर्थन दिया है भाजपा को। तो एक कम्युनिटी है जिसको हम डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जिसको हाटी के नाम से जाना जाता है, उसको अभी रिसेंटली शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया गया है, जिसको इस पिटीशन में चैलेंज किया गया है। और चैलेंज करने वाले हैं एक गुज्जर समाज जो ऑलरेडी एक शेड्यूल ट्राइब हैं, एक ज्योग्राफिकल एरिया को जिसको हम गिरिपार के नाम से जानते हैं, उसको शेड्यूल ट्राइब, वहाँ के जो रहने वाले हैं, चाहे वो हायर कास्ट के हैं चाहे वो लोअर कास्ट के हैं, उन सब को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दे दिया गया है। और इनका कहना है जो हायर क्लास के, जैसे हायर कास्ट के जो लोग हैं, जैसे ब्राह्मण्स हैं, राजपूत्स हैं, वो इकोनॉमिकली एक बहुत बेटर कंडीशन में हैं, एजुकेशनली बेटर कंडीशन में हैं, और वहाँ का एक गाँव है गिरिपार का जो एशिया का रिचेस्ट विलेज है। तो इन लोग, ये लोग जो हैं वो शेड्यूल ट्राइब्स देने के लिए जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं करते हैं। भारत सरकार तो महामहिम राष्ट्रपति द्वारा हाटी समुदाय को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिए जाने संबंधी बिल पास किए जाने के करीब 4 माह बाद भी प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा सर्टिफिकेट इशू न किए जाने के मुद्दे पर हाटी पुत्र कहलाने वाले बलदेव तोमर ने सीएम सुखविंदर सुखुआ इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान को खूब खरी खोटी सुनाई। पूर्व विधायक एवं भाजपा राज्य प्रवक्ता तोमर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को चुनौती भरे लहजे में कहा कि यह सरकार और ज्यादा दिन अब गिरिपार वासियों को एसटी सर्टिफिकेट इश्यू करने से नहीं रोक पाएगी। तोमर ने कहा कि बॉबी संबंधी केस के बाद कल एक बार फिर माननीय अदालत ने 3 छात्रों और बेरोजगारों को प्रोविजनल एसटी सर्टिफिकेट इश्यू करने संबंधी आदेश सिरमौर और जिला प्रशासन को दे दिए हैं, और इनमें एक इस बिल में अड़ंगा डालने वाले उद्योग मंत्री के रिश्तेदार की बेटी है। बलदेव तोमर ने सुखू सरकार को उच्च न्यायालय के आदेशों से नसीहत लेने की चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार समय रहते सभी हाटी समुदाय के लोगों को प्रमाण पत्र जारी करवाए तो बेहतर होगा। राज्य सरकार द्वारा केंद्र के संबंधित अधिकारियों को भेजे गए क्लेरिफिकेशन संबंधी लेटर पर तोमर ने कहा कि ये पत्र बेसलेस है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन अथवा रिपोर्ट के आधार पर ही लोकसभा व राज्यसभा में हाटी संशोधन बिल पास हुआ है। तोमर ने उद्योग मंत्री के बेस डेट वासी कम्युनिटी को एक्सक्लूड किए जाने संबंधी क्लेरिफिकेशन की बात को झूठ करार देते हुए कहा कि हिमाचल सरकार द्वारा भेजे गए पत्र में इन दोनों बातों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, और महज आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए उद्योग मंत्री के कहने पर सुखू सरकार डिले टैक्टिक्स अपना रही है। गौरतलब है कि गिरिपार वासियों की 55 साल पुरानी एसटी स्टेटस की मांग को सिरे चढ़ाने के लिए हाटी पुत्र के नाम से मशहूर बलदेव तोमर ने शिलाई विधानसभा हलके में एसडीएम ऑफिस, डीएसपी ऑफिस, बीडीओ, एक्शन ऑफिस, सिविल कोर्ट, कॉलेज व सिविल हॉस्पिटल जैसे बड़े बड़े संस्थान पूर्व प्रदेश सरकार के कार्यकाल में खुलवाए थे, और उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का सबसे करीबी नेता भी कहा जाता था। इसके बावजूद लास्ट ईयर हुए असेंबली इलेक्शन में तोमर की लुटिया डूब गई थी, और उनसे जीतने वाले कांग्रेस नेता हर्षवर्धन चौहान वर्तमान सरकार में उद्योग मंत्री है। कुछ ही दिन पहले इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हर्षवर्धन ने लास्ट असेंबली इलेक्शन में भाजपा को समर्थन कर चुकी हाटी समिति को 2027 के विधानसभा चुनाव में भी उनके खिलाफ एड़ी चोटी का जोर लगाने का ओपन चैलेंज किया था। इससे पहले इंडस्ट्रीज मिनिस्टर के हाटी पुत्र समाधि में होने संबंधी बयान पर भी गिरिपार में काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, और भाजपा के साथ साथ हाटी समिति पदाधिकारियों ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग सिरे चढ़ने पर हाटी समिति ने लास्ट असेंबली इलेक्शन में भाजपा को खुला समर्थन दिया था, हालांकि इसके बावजूद गिरिपार के 154 में से 103 के करीब पंचायतों वाले शिलाई व रेणुकाजी विधानसभा हलके में भाजपा की लुटिया डूबी थी। करीब 54 साल तक जहां गिरिपार के सभी कास्ट अथवा कम्युनिटी के लोगों ने एसटी स्टेटस की मांग का समर्थन किया था, वहीं पिछले साल अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति ने इसके विरोध में पैरेलल मूवमेंट छेड़ा था, और समिति द्वारा इस मुद्दे पर दायर याचिका को लेकर हाईकोर्ट द्वारा राज्य व केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया है। अब तक जहां केवल अनुसूचित जाति अधिकार समिति के पदाधिकारियों द्वारा गिरिपार की राजपूत व ब्राह्मण आबादी को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिए जाने के खिलाफ केस किया गया था, वहीं अब पहले से एसटी में शामिल गुज्जर समुदाय के लोगों ने
हाटी समुदाय को एसटी स्टेटस के खिलाफ हिमाचल हाई कोर्ट में ही याचिका दायर कर ली है। आज हुई सुनवाई के बाद बताया जा रहा है कि इस मामले में नेक्स्ट हियरिंग 18 दिसंबर को रखी गई है और गुज्जर समुदाय की पीसी में आज अनुसूचित जाति समिति के एक संस्थापक भी खड़े नजर आ रहे हैं। गुज्जर कम्युनिटी के अनुसार ट्रांसगिरी के अपर कास्ट के लोग शैक्षणिक व आर्थिक दृष्टि से ना तो उनकी तरह कमजोर है और ना ही गाय भैंस और बकरियों के साथ वह घुमंतु जीवन बिताते हैं। गिरिपार को एसटी स्टेटस का विरोध करने वाले गुज्जर कम्युनिटी लीडर अथवा प्रभावशाली लोगों को हाटी समिति समर्थित कई सोशल मीडिया यूजर साधन सम्पन्न बता रहे हैं और औद्योगिक क्षेत्र कालाम में हरियाणा से सेटल हुए इन लोगों के पास एक भी भैंस अथवा पालतू पशु न होने के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। बहरहाल हिमाचल हाई कोर्ट द्वारा 3 स्टूडेंट्स अथवा बेरोजगारों को प्रोविजनल एसटी सर्टिफिकेट इशू करने संबंधी आदेश जारी किए जाने से हाटी पुत्र ने सुखू सरकार को सबक लेने की नसीहत दी और कुछ हाटी नेताओं ने दिवाली के बाद इस मामले में आंदोलन की भी चेतावनी दी थी। आज मैं तमाम गिरिपार क्षेत्र के जो लोग जनजाति क्षेत्र की लड़ाई पिछले 56 वर्षों से लड़ रहे थे और जिसका सुखद अनुभव पिछले कल पूरे गिरिपार के लोगों को मिला है, मैं तमाम गिरिपार के जो जनजाति क्षेत्र में लोग आए हैं सबको मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि जो सपना पिछले 56 वर्षों से हमारे लोगों ने देखा था कि कब उत्तराखंड के जौसार बाबर की तर्ज पर हमारा गिरिपार क्षेत्र भी जनजातीय हो, पर हमको एक प्रमाण पत्र जो एसटी का मिलता है उसकी तड़प जो हम लोगों के बीच हम हमारे लोगों के बीच में थी वो सपना पिछले कल माननीय उच्च न्यायालय ने पूरा किया है। प्रदेश सरकार जिस प्रकार से इस मुद्दे पर रवैया अपनाए हुए है और पिछले 4 महीनों से आप सब लोगों के सामने किस प्रकार से प्रदेश सरकार के मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी किस प्रकार से हमारे लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कितनी मेहनत से पिछले 5 वर्ष का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में थी, माननीय जयराम ठाकुर जी प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री थे, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और गिरिपार के तमाम लोगों का केंद्रीय हाटी समिति के सहयोग से उनके नेतृत्व में सभी लोगों ने प्रयास किया माननीय जयराम ठाकुर जी से मिलकर इस 56 साल की पुरानी मांग को जो है पूरा किया जाए ताकि हमारे क्षेत्र के नौजवानों हमारे क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिल सके। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि आज सरकार के अंदर गिरिपार क्षेत्र से मंत्री है, गिरिपार क्षेत्र से उसी पार्टी के विधायक, उन्होंने ना तो कभी पहले इस मुद्दे पे गंभीरता दिखाई, चुनाव के वक्त भी इस मुद्दे के ऊपर हमारे समाज को बांटने का काम किया गया और चुनाव के बाद भी इस काम में रुके नहीं, लोगों को जातिवाद में बांटने का काम किया जा रहा है, लगातार किसी न किसी वर्ग को भड़काने का काम किया जा रहा है, कभी कहते हैं कि इससे लाभ नहीं होगा, कभी कहते हैं मैं इसके हक में नहीं हूं, कभी कहते हैं कि मैं इसके हक में हूं, कभी कहते हैं मैं इसको लागू करवाऊंगा। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, भूषण ज्वेलर्स अनमोल रिश्तों के लिए।